नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं एक शादी पार्टी में हूँ और कल बारात वापस आया है और उसका आज पार्टी है। अभिषेक और विनीता का शादी कल हो चुका है और आज जो है पार्टी है। और पार्टी कैसे किया जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय आप सामने दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, दाहिने साइड में दुल्हन है और दुल्हन के बाएँ साइड में दूल्हा है। तो कुछ देर में अभी केक कटेगा और केक कटने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। स्वागत के लिए मेहमानों को गाना गाया जा रहा है। इस समय दूल्हा दुल्हन के द्वारा केक काटा जा रहा है। अब देख सकते हैं दोनों जो है चाकू को साथ में पकड़े हुए हैं और इस तरह से उसको काट रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं। इस तरह से केक कट गया। अब देख एक सबसे पहले उसको खिलाती है, पटाखा भी बहुत जोर से छोड़ा जा रहा है। केक कटने के चक्कर में अभिषेक को उन्होंने केक खिलाया और उसके बाद अब देखते हैं इसको खिलाती है केक। इसके बाद फिर वो अपनी मम्मी को या अपनी सास को एक केक खिलाए और सास भी अपनी बहू को केक खिलाई। इस तरह से एक दूसरे को केक खिलाए और इस समय शायद अभिषेक को केक खिलाई शायद उसकी मम्मी। इस तरह से अभिषेक को उसकी मम्मी एक केक खिला रही है और अभिषेक भी अपनी मम्मी को केक खिला रहे हैं। ये पारिवारिक प्रेम को दर्शाता है कि हम परिवार में इस तरह से जुड़े हैं, इतना प्रेम भाव रहता है कि हम एक दूसरे को खिलाते हैं। इस तरह से अभिषेक अपनी बहन को दीदी को खिला रहे हैं केक। इस तरह से केक खिलाने का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। अभिषेक, इतना सुंदर बहू आपको मिली, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुद को लकी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है मुझे जी। और विनीता, आप भी बहुत सुंदर दूल्हा आपको मिला, आपका पति बहुत सुंदर है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले अरब माता पिता नहीं आए थे, माता ने इसलिए अकेले आए। लड़का का अरब पिता है वो सबसे पहले नहीं आए और ये आदिवासी साल सम्मानित किया और ये साड़ी देख रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं बाजा बजा रही हूँ, हाथ माहौल को और भी सुंदर और खुशनुमा बनाने में पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो बाजा के चलते यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस समय आप देख सकते हैं दोस्तों, परिवार वाले इस समय मिलने आ रहे हैं, आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आप इसी अंदाज लगा सकते हैं कि इनका परिवार कितना बड़ा है। जितने भी लोग हैं केवल एक ही परिवार के लोग हैं और इस तरह से पहला मुलाकात लड़के के धर्म माता पिता ने किया और ये दूसरी बार उनके परिवार वाले आकर के इस समय उन्हें भेंट कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ देर बाद फिर उसके बाद रिश्तेदार लोग आएंगे, गांव वाले आएंगे और इस तरह से काफ़ी लंबा ये सिलसिला चलता रहेगा। Thank you.
वाले सब मिले हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी रिश्तेदार आए हैं, जितने लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है, वो पूरे लाइन में जो है आ रहे हैं यहाँ मिलने के लिए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी लंबा भीड़ है दोस्तों, समय आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी रिश्तेदार आए हैं, जितने लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है, वो पूरे लाइन में जो है आ रहे हैं यहाँ मिलने के लिए, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी लंबा भीड़ है दोस्तों, मैं पूरा समय तो इसे नहीं दिखा सकता क्योंकि ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। मैं इसे बस चुमावन वाला कार्यक्रम को मैं यहीं तक दिखाता हूं, अगर आगे चुमावन के अलावा कुछ दूसरा कार्यक्रम होगा तो मैं ज़रूर उसे आपको दिखाऊँगा। तीसरा आप देख सकते हैं दोस्तों, मंच में दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और उनसे भेंट करने के लिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा संख्या में लोग लाइन लगाए हुए हैं। और वो लाइन आते आते मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइन यहाँ समाप्त हो रहा है। खास दूल्हा दुल्हन के लिए गाना गाया जा रहा है, गाना गाने वाले हैं, तो वीडियो आप लगातार बने रहिए, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गाना गाने वाले हैं। ये है नागपुरी गाना जिसे इस समय लोग गा रहे हैं। और इधर आशीर्वाद देने का कार्यक्रम जारी है। खाने में बना है सर, बहुत आइटम बना है आपका, नॉन वेजिटेबल बना है सर, खीर रायता पनीर सलाद और बकरा का मीट बना है सर, गुलाब जामुन वगैरह कई सिस्टम आइटम बना है जो स्वादिष्ट और बड़े मज़ेदार है। शादी का कार्यक्रम बहुत सुंदर लग रहा है सर, और हमें बहुत आनंद और खुशी मिल रहा है जो आज के कार्यक्रम में हम सब खुशी और उमंग मना रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हो गया कहीं मटन मिला है क्या? खस्सी मिला है सर। खस्सी मिला है। खाने में क्या क्या मिला है? खाने में पूरी मिला है, चिकन मिला है, पनीर मिला है, करेला मिला है, भट्टा मिला है। क्या क्या मिला है खाने के लिए? क्या क्या मिला है? खत्म हो गया, खस्सी मिला था। अच्छा, आओ, आदिवासी लोग बड़ी जोर को भूला गए क्या? काफी आदिवासी लोग बड़ी जोर को भूला गए। भूला गए अभी तो भूला गए। हाँ, पहले था बड़ी जोर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल भी यही हाल था मेरा। तो वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और लाइक और शेयर कमेंट तो करना ही करना है। और साथ ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।